हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब स्टडी पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट अच्छी अपडेट आ रही है एयर इंडिया AIASTL की तरफ से। रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए, वेरियस पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन है, यहाँ पे हैंडीमैन है, कस्टमर एजेंट, वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट है। अलग अलग जॉब के लिए अलग एलिजिबिलिटी, अलग अलग सैलरी है। फ्रेशर्स एलिजिबल है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और लखनऊ लोकेशन के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन कैंडिडेट आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। सैलरी जो है 40 से 45 हज़ार के अप्रॉक्स रहेगी, तो एक शानदार अवसर है। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नॉन इंडियन एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में रिक्रूटमेंट है, जो कि लखनऊ लोकेशन के लिए की जा रही है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है फिक्स टर्म पे आपके नॉर्दर्न रीजन लखनऊ में आता है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रहा है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, साफ साफ बोला गया। तो सीटें कुछ इस तरह से हैं, कस्टमर एजेंट में 13 हैं, रैम सर्विस में 15 है, हैंडीमैन में 25 है, सबसे ज़्यादा जूनियर एजुकेटिव टेक्निकल में एक पोस्ट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, तो कस्टमर एजेंट में ग्रेजुएट है, और उसके साथ डिप्लोमा है आपका IATA या UFTA में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट है आप, या एक साल का एक्सपीरियंस है टिकटिंग वगैरह में, कंप्यूटर पैसेंजर चेक इन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21,300 रुपये सैलरी मिलेगी, फिक्स सैलरी है। मैक्सिमम एज 28, 31, 33, अलग अलग कैटेगरी में है। सीटें नहीं दी गई हैं कितनी, मतलब कैटेगरीज वाइज है। तो नेक्स्ट है आपकी जैम सर्विस एजेंट में डिप्लोमा है आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में, या फिर आपने ITI कर रखा है 3 साल का, आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, टोटल 3 ITI विद NCVT आप अप्लाई कर पाएंगे, और 10वीं पास। 21,300 सैलरी सेम है, एज भी सेम लगभग होगा, या फिर उसके साथ आपको HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, और जिनके पास लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी, लखनऊ की लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, प्रेफरेंस उसको मिलेगा। तो यूटिलिटी रैम्प कम रैम ड्राइवर है, 10वीं पास होना चाहिए, उसके पास आपको HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। LMV है, जैसे लोकल मतलब लाइट होता है, उसको आप हैवी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, 19,350 रुपये सैलरी मिलती है, और लास्ट डेट मतलब से इंटरव्यू के नहीं है, आपके पास LMB भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बाद में जैसे एक साल मतलब ट्रेनिंग चलेगा आपको 10 महीने, उसके लास्ट डेट तक आप इसको HMB में अगर प्रोसेस भी कर देते हैं, मतलब फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, तब भी कसर कोई दिक्कत नहीं है। फिर है लास्ट जो पोस्ट है हैंडीमैन के लिए, 10वीं पास है, 17,520 रुपये सैलरी मिलेगी, और 10वीं पास है, एयरपोर्ट एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ना और बोलना आना चाहिए, वह ध्यान रखेंगे। फिर देख लीजिए यहाँ पे, फिर है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट BE BTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं, और LMB यानी जो है आपका लाइट मोटर व्हीकल को होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल ऑटोमोटिव, 25,300 सैलरी दी जाएगी। और सिलेक्शन देख लीजिए, अलग अलग है सबका। कस्टमराइजिंग का पर्सनल इंटरव्यू होगा और सेम डे होगा। सिलेक्शन जो है रैम ड्राइवर का जो है ट्रेड टेस्ट, यानी आपको गाड़ी वगैरह सब चला के दिखाना होगा। जूनियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर्सनल इंटरव्यू होगा यहाँ पे, और सिलेक्शन प्रोसीजर हैंडीमैन के लिए स्किनिंग, मतलब आपको थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल इंड्योरेंस, दौड़ा वाला का देखा जाएगा, कैसे अप्लाई करना है वो बात मायने रखता है। स्पीड पोस्ट आपको करना होगा, फॉर्म भर के किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऊपर भर के, नीचे मैं फॉर्म दिखा दूंगा, जो कि 27 अप्रैल से पहले पहुँच जाना चाहिए। उसमें आपको DD भी लगाना होगा, लेकिन बस DD का नंबर लगाना होगा। ठीक है, आपको DD बनवाना पड़ेगा, अभी उसको भेजना नहीं है, अभी बस उसका नंबर लिख के आपको भेजना होगा। किस पते भेजना है ये पता दिया गया है। ठीक है, न्यू दिल्ली जाएगा आपको, मेल इसका ऑफिस है। 500 रुपये की DD होगी, SST को कोई यहाँ पे देखिए बोला गया, एक सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंग SST कमीशन, कोई फीस यहाँ पर नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ भेजना होगा, इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं, 3, 4, 8, 11, 12, इस तरह से जो नंबर दिया गया नीचे मैं दिखाऊंगा, आपको वहाँ पे भेजना है अपना OBC सर्टिफिकेट, फोटो ID वगैरह सब भेजना है। तो ये सब ध्यान देंगे, और देखिए फॉर्म कुछ इस तरह से, इसको पहले लिंक मैं दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। फोटो फॉर्म ध्यान से भर के इस तरह से होगा, एक एक कॉलम अच्छे से भर के, अपना मदर टंग वगैरह सब करके, उसके बाद अपना 10th 12th या ग्रेजुएशन जो भी किस पोस्ट के अप्लाई करना है वो जरूर से भर दीजिएगा ऊपर। वर्क एक्सपीरियंस तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर देखिए मेन जो है, यहाँ पे 500 रुपये का अमाउंट आपका DD देना होगा, जनरल कैटेगरी OBC के लिए, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डिस्क किस डेट को इशू, और इसमें ठीक है, पेबल एट मुंबई बनेगा, एयरपोर्ट इंडिया लिमिटेड पेबल एट मुंबई, इसी नाम से बनेगा, किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, और कोई अगर वर्किंग है एयर इंडिया में तो आप उसको बता सकते हैं। सिग्नेचर का बस ये आपको लिफाफे में बंद करके डॉक्यूमेंट के साथ भेज देना है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको देना होगा, अपना DD उसमें मत डालिएगा। ठीक है, इस तरह से 10th 10वीं 12वीं मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर है तो, डिग्री है तो कर दीजिएगा, अपना ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, जीरोक्स का सबका करके भेज दीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ डाउट है कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अच्छा मौका है, जरूर से भाई इसको, वीडियो को यही समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों।